हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मिस नजमत सहार खान फ्रॉम सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गिविंग यू माय 23rd लेक्चर फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, एसिड एंड अल्कलीज। एसिड रेन। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्स इन रेन वाटर टू मेक वीक एसिड। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड डजंट हार्म द एनवायरमेंट। The burning of coal and power stations and the increasing number of motor vehicles have serious effect. Sulfur dioxide is produced when coal and oil burns and is released into the atmosphere, is dissolved in rain water to form sulfuric acid. This is a strong acid to make the air more acidic. Acidic rain harms plant and water life and limestone. Achha, acidic rain. Due to the high environmental pollution, acidic rain are formed. ठीक है ना, जब pollution बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो rain form होती है वो acidic होती है। क्यों? क्योंकि environment में हमारे बहुत सारी gases present होती हैं, like carbon dioxide, सही ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब वाटर के साथ डिसॉल्व होती है तो वो एक वीक सा एसिड बन जाता है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म नहीं है। ठीक है, लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो कि कोल और ऑयल को बर्न करने से होती है, रिलीज होती है एटमोसफेयर में, वो वाटर के अंदर जैसे जैसे रेन वाटर में डिजॉल्व होती रहती है तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है जो कि क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इट हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वाटर लाइफ, और खासतौर पर वो चीज़ें जो कि लाइमस्टोन की बनी हुई होती हैं, मार्बल वगैरह की बनी हुई होती हैं, एक ईटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जो बर्निंग ऑफ कोल है, कोयला जल है, पावर स्टेशंस हैं, मोटर व्हीकल्स का धुआं, इन सब चीज़ों से ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, और एक एक लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, जो कि पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की लेयर होती है, और जैसे रेन वाटर उसके साथ मिक्स होता है, दीज गैसेस फॉर्म अ एसिड। ठीक है, सम एसिड आर वीक एसिड एंड सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ दीज आर द डायग्राम्स विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एसिडिक रेन इफेक्ट ऑन द लाइफ। लाइक दैट इन दिस डायग्राम यू कैन सी ड्यू टू द एसिडिक रेन पुअर फॉरेस्ट हेल्थ इज प्रेजेंट। ठीक है ना, क्या मतलब है कि एसिडिक जो रेन है वो सॉइल में मिक्स होके उसके न्यूट्रिएंट को क्या कर देती है, किल कर देती है, और वही जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसी सॉइल से जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं फॉरेस्ट, तो वो उसी तरह से उसके अंदर पूरी उनकी लाइफ में क्या कर देती है, वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर देती है, बिल्डिंग्स वगैरह को इरोड कर देती है, पेंट को ख़राब कर देती हैं। ठीक है ना, लेक्स वगैरह की लाइफ जो होती है वो उसके अंदर कुछ डेलिकेट से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए जो होता है ये एसिडिक रेन जो होती है बहुत हार्मफुल होती है। नाउ दिस इज एन अनदर स्लाइड इन विच यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। इट हैज एन हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट बिकॉज एसिड रेन डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल विच द प्लांट नीड टू सर्वाइव। तो आप ये फॉरेस्ट देखें, इसकी ग्रोथ कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। ठीक है ना, ये इसकी एक पुअर ग्रोथ है क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट जैसा मिल रहा है वो भी पुअर न्यूट्रिएंट मिल रहा है। नाउ दीज आर अनदर हार्मफुल इफेक्ट्स यू कैन सी कि ये देखिए कि इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन व्हेन द एसिड रेन पॉल्यूट्स लेक एंड स्ट्रीम। ठीक है ना, जब लेक और स्ट्रीम्स को एसिडिक रेन जो है होती है पॉल्यूट करती है तो इस तरह सारे फिश वगैरह जो होते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनके लिए हार्मफुल है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये वेजिटेशन एरिया जो होता है, एग्रीकल्चर लैंड जो होती है
वो सारी जो होती है एसिडिक रेन की वजह से. एसिडिक रेन जो होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लेस टू प्लेस क्या होती है, अलग होती है. ज़रूरी नहीं है हर जगह एसिडिक रेन सेम ही एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही हो. पॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है, जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन है, जहाँ ज़्यादा इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा जाता वहाँ पर ये ज़्यादा, जहाँ फिल्टर वगैरह नहीं लगे हुए होते हैं उसके अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. और ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे कोलोसियम ऑफ द रोम की बात की गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ड्यू टू द एसिडिक रेन. नाउ लुक एट द इफेक्ट ऑफ एसिडिक रेन ऑन द ताजमहल. इट इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ वर्ल्ड विच इज़ बीन डैमेज बाय द एसिडिक रेन बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट. And when the acidic rain fall on the calcium carbonate, it highly react the calcium carbonate and make a destruction. Sulfuric acid destruction on a lake. ये एक लेक है जो कि पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से. ठीक है ना, ये सारा सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर जो है वो ऐड हुआ हुआ है ड्यू टू द एसिडिक रेन. इंडिकेटर्स. An indicator is a dye that changes color when it is put into an acidic or an alkali and shows whether a solution is acidic or alkaline. अच्छा, indicators जो होते हैं वो dye होते हैं, ठीक है ना, और ये help करते हैं to know whether the solution is alkaline or the acidic. ठीक है ना, हमें नहीं पता अगर कुछ solution रखे हुए हैं तो कुछ indicators होते हैं वो different colors देते हैं and different solutions. अगर different जैसे एसिड में उनका कलर डिफरेंट होगा और अलकली में उनका कलर डिफरेंट होगा, ठीक है ना. तो अगर आपको नहीं पता वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक और अल्कलाइन, सो यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर बाय यूजिंग इंडिकेटर्स. ठीक है, जैसे इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और ब्रोमोथाइल ब्लू. ठीक है, ये आपके पास इंडिकेटर्स हैं जिनके कलर एसिड में कौन से होते हैं. लिटमस जो होता है वो रेड कलर होता है एसिड में, जबकि अल्कली में उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है. फिनोफ्थलीन जो होता है एसिड में कोई भी कलर नहीं देता, लेकिन अगर उसको हम अगर अल्कली के सोल्यूशन में डालें, अल्कली में डालें तो वो पिंक हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज एसिड में ऑरेंज कलर का शो होता है, जबकि अल्कली में येलो. और ब्रोमोथाइल ब्लू जो होता है वो येलो एसिडिक में होता है और ब्लू अल्कली में. तो इनको हम डिफरेंट कलर के इंडिकेटर्स को हम डालते हैं और इस तरह से यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द सोल्यूशन इज अल्कलाइन और एसिडिक. लिटमस. लिटमस इज एन इंडिकेटर. इट इज ब्लू पर्पल डाई विच कम्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड लिचन्स. ब्लू लिटमस पेपर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एसिड. It turns from blue to red. Red litmus is used to test alkali. Red litmus paper turns blue in an alkaline solution. In neutral solution, litmus doesn't change color. अच्छा, लिटमस जो नॉर्मली हम कॉमनली यूज़ करते हैं, आप भी लैब वगैरह में अगर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे तो फिनोफ्थलीन और लिटमस ही यूज़ करेंगे. तो लिटमस क्या होता है, एक इंडिकेटर है जो कि ब्लू पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है ना. और वो एक प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस डाई को, ठीक है, जो क्या कहलाती है, लिचन्स. अब ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो यूज़ होता है आइडेंटिफाइड एसिड करने के लिए, बिकॉज इट टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड. क्योंकि अगर एसिडिक होगा तो अब वो ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा, रेड में. रेड लिटमस इज यूज टू टेस्ट अल्कली. रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. अब या तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा. अब न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, वो जो उसका ब्लू पर्पल कलर है वो वैसा का वैसा ही, वो एक ब्लूइश पर्पलिश कलर होता है, वो उसका वैसा ही कलर कुछ रहेगा, ठीक है ना. तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए है लिटमस टू एसिड बेस और सॉरी अल्कलाइन और अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. नाउ लुक एट द लिटमस इंडिकेटर विच हैज रेड इन रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. नाउ इट इज अ कलर चार्ट ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर.
universal indicator contain a mixture of dye. It changes color depending on the pH of the solution. You can see neutral is in the middle having 7 pH. सही है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड द एसिडिक साइड. ठीक है, जितना ज़्यादा डिक्रीज होता जाता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है. और जैसे जैसे कलर अल्कली की तरफ जा रहे हैं उनका कलर भी चेंज होता जा रहा है. 14 की तरफ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है. सही है, पीएच के अकॉर्डिंग इसके कलर्स हैं. हम अभी पीएच को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये देखिए अलग अलग है, ये जिस तरह से उसका जैसा सॉल्यूशन है वैसे ही उसकी कलर्स हैं. ठीक है, एसिडिक रेंज जो है 1 to 7 है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, 7 to 14 जो होता है वो अल्कलाइन की रेंज है. अब ये देखिए ये पीएच स्केल है. पीएच स्केल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 14. ठीक है, बीच में 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 6, 5, 4, 3, 2 एन एसिडिक साइड है. सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा 1 पे होगा. सही है, जितना डिक्रीज होता जाता है उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है. और बेस साइड पे क्या है, जितना ऊपर 14 की तरफ मूव करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. और जैसे ही कॉर्नर से न्यूट्रल की तरफ मूव करते रहते हैं वैसे ही वीक होते रहते हैं. ठीक है ना, अभी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको शो किया गया है कि कौन सी चीज़ें अल्कलाइन हैं और कौन सी चीज़ें एसिडिक हैं. जैसे सबसे पहले न्यूट्रल पे आप देखें, वाटर है, प्योर वाटर इज़ अ न्यूट्रल. ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है तो वो प्योर वाटर है. अगर हम दोनों जो साइड पे देखें, मिल्क, मिल्क हैज़ अ वेरी वीक एसिड, वीक एसिड है. इसी तरह एग में वीक अल्कली है. फिर आप देखें यहाँ पे कॉफ़ी है, फिर टोमेटो जूस है. ठीक है, अब जैसे जैसे सिट्रस फ्रूट आता जा रहा है, सिट्रस फ्रूट, अब जैसे कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी का मतलब है ये सारा ग्रुप ही है, चाय वगैरह का जितना ग्रुप है वो भी एसिडिक ही होता है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पीएच नहीं है, वो इतना ज़्यादा हाई एसिड नहीं है. फिर सिट्रस आ जाता है वेजिटेबल, जैसे टोमेटो वगैरह. ठीक है, जो भी इस रेंज में होंगे वो 4 pH पे आ गए, यानी कि ये भी, लेकिन इसकी अब एसिडिटी बढ़ती जा रही है. फिर एप्पल जूस आ गए. ठीक है, अब एप्पल से रिलेटेड जितने फ्रूट्स होंगे वो भी एसिडिक हैं क्योंकि उनमें एसिड है. फिर लाइम्स आ गए, लाइम्स में ये सारे ऑरेंजेस वगैरह वो भी एसिडिक हैं. ठीक है, जैसे ये कौन है आजकल, पीचेस हैं, एप्रिकॉट्स हैं, ये सब चीज़ें एप्पल और ये लाइम और इन सब के बीच में. नंबर 1 पे कौन है, गैस्ट्रिक एसिड. गैस्ट्रिक एसिड यानी कि हमारे स्टमक में जो वो आते हैं एसिड है वो, डेट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक एसिड टू किल द जर्म्स ऑफ द स्टमक. ये सारी एसिडिक रेंज है. अगर हम अल्कलाइन रेंज पे देखें तो एग है, सबसे पहले एग है, सबसे कम बेसिसिटी उसी की है, ये अल्कलाइनिटी उसकी है. फिर बेकिंग सोडा वगैरह है, फिर हैंड सोप है, तो ये इस रेंज के, ब्लीच है, एंड में एसिड्स या अल्कली, सॉरी एंड में कौन है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा अल्कलिनिटी होती है, डेट इज़ नियर, डेट इज़ अराउंड 40. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड बाय इट्स पीएच. एवरी एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन. द लोअर द पीएच नंबर द स्ट्रोंगर द एसिड. द हायर द पीएच नंबर द वीकर द एसिड. यही वही एक बात है, जैसे अभी पीएच स्केल में हमने देखी कि अगर 1 है पीएच तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और अगर 6 है पीएच तो वो वीक एसिड है. तो यानी कि पीएच अगर ज़्यादा है, 6 है फॉर एग्जांपल, तो वो वीक एसिड है, और पीएच अगर कम है जैसे कि 1 तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. अच्छा, स्ट्रेंथ जो है यानी कि एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किससे मेजर की जाती है, पीएच से ही मेजर की जाती है. ठीक है, एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन आयन यानी कि अगर उसके अंदर फ्री हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और अल्कली के अंदर OH आयन होते हैं. एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं और अल्कलीज में OH आयन होते हैं. स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी पीएच पे. अगर ज़्यादा पीएच है, हायर पीएच है, वीक एसिड है. लोअर पीएच है लाइक 1, स्ट्रॉन्ग एसिड है. द पीएच स्केल. द पीएच स्केल शो हाउ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज. द सब्सटेंस विद पीएच 7 इज न्यूट्रल. प्योर वाटर हैज पीएच 7. द केमिकल्स विद द पीएच ग्रेटर देन 7 इज अल्कली.
the higher the pH, the more alkaline the chemical is. Means the solution of pH 14 is a stronger alkaline than pH of 8. वही बात है कि pH जो 7 वाला है वो न्यूट्रल सोल्यूशन है, 7 के बाद 8 वाला वीक अल्कलाइन है, 9 वाला ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा. इस तरह करते करते सबसे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन कौन सा होगा, जो कि 14 वाला होगा. इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो 7 के बाद 6 है, वीक एसिड है, और इसी तरह ठीक है. और लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कहाँ होगा, 1 पीएच पे होगा, वहां एसिडिटी बढ़ती जाएगी. लुक एट द पीएच चार्ट, 7 इज अ न्यूट्रल वन, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एसिडिक साइड, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आर द बेसिक साइड, स्ट्रॉन्गर अल्कलाइन साइड और अ बेसिक साइड. अच्छा, 1 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 इज अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन. ठीक है, 1 के बाद 2, 3, 4 एसिडिटी कम हो रही है, यहाँ पे भी 13, 12, 11, 10 अल्कलाइनिटी जो हो रही है उसकी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, अल्टीमेटली दोनों जगह से डिक्रीज होकर आपके पास एक न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है. डाइल्यूट एसिड, व्हेन एसिड इज मिक्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, व्हेन एसिड इज मिक्स विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड. डाइल्यूटेड मीन्स वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, ये डाइल्यूटेड है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसे कि यहाँ फ्यूम्स भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हमेशा फ्यूम्स निकलते हैं, इसमें वाटर कम है और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड रेफर्स टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन. स्ट्रॉन्ग एसिड, द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द स्ट्रॉन्गर द एसिड, द लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द वीकर द एसिड लाइक एसिटिक एसिड. ठीक है, ये मैंने आपको बात डिस्कस की, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो आपके स्ट्रेंथ शो करते हैं ऑफ द एसिड. अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है. जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, फ्री हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी इसी तरह से. लेकिन अगर हम वीक एसिड की बात करें तो उसमें फ्री हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वीक एसिड, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड. होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. थैंक यू.